बिहार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कई सियासी दिग्गजों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जेपी जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बापू आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नीतीश ने लोगों से बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाज से पूरी तरह खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एक मंच पर दिखेंगे। ये सुनना थोड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में 14 अक्टूबर को एक मंच पर एक दूसरे के धुर विरोधी दिग्गज नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुई। सुबह के 10 बजे राबड़ी देवी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो पाई। इससे पहले भी एक बार राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया जा चुका है। बिहार प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदाकत आश्रम में मारपीट और नारेबाजी की गई है, उसे कांग्रेस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया गया है। कादरी ने कहा कि चौधरी का 16 लाख नए सदस्य बनाने का दावा झूठा है। कादरी ने कहा कि चौधरी पर कार्रवाई होगी। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विवादित बयान दिया था। चौबे ने कहा कि बिहारियों की वजह से दिल्ली एम्स में भीड़ लगी है। वहीं चौबे के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है। नीतीश ने कहा कि बिहार के सांसद बिहार के बाहर इलाज के लिए गए बिहारी की मदद करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की 886 करोड़ रुपए की 113 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि पीएमसीएच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। बिहार एनडीए की घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। कुशवाहा शिक्षा सुधार मुहिम को लेकर 13 जिले में रोड शो कर रहे हैं। कुशवाहा गांधी मैदान में 15 अक्टूबर को आयोजित शिक्षा सुधार सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में बालू और गिट्टी की बिक्री तय दर पर सरकारी निगम करेगा। नए लघु खनिज नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसका मकसद अवैध कारोबार और माफियाओं पर शिकंजा कसना है। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। बिहार इंटर टॉपर घोटाला के आरोपी लालकेश्वर प्रसाद सिंह की जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने लालकेश्वर पर नकारात्मक टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे घोटाले से न केवल प्रतिभावान छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि इसे बिहार का नाम भी देश भर में बदनाम होता है।